एक समय की बात है, किसी गांव में एक भिखारी रहता था। खाने की तलाश में वह हर दिन घने जंगल को पार करके किसी ना किसी के घर भिक्षा मांगने के लिए जाया करता था। आज भी इसी तरह वह भिक्षा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन आज वह बहुत ही खुश था। भिखारी ने बहुत ही पुराने कपड़े और जूते पहने हुए थे, परंतु फिर भी वह खुशी से गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते से अपने घर को लौट रहा था। किस्मत की बात है, उसी समय उस जंगल में एक राजा भी था जो अपने हालात से दुखी था और महल से भागकर वहां पर आराम कर रहा था। तभी राजा की नजर उस भिखारी पर पड़ी। भिखारी को इतना खुश देखकर वह सोचने को मजबूर हो गया कि इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है। इतने पुराने कपड़े और पैरों में कटे फटे जूते होने के बावजूद भी यह कितना खुश है। और एक मैं हूँ जो दिन रात एक करके अपनी प्रजा और परिवार वालों की सेवा करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी वे लोग खुश नहीं होते। उन सभी को सिर्फ मेरी राजगद्दी चाहिए और इसके लिए वे मुझे मरवाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। असल बात ये थी कि राजा ने एक दिन अपने महल में कुछ पहरेदारों को बात करते सुन लिया था। वो आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ही यह राजा मर जाएगा, उनकी आंखों का कांटा साफ हो जाएगा। वहीं राजा की पत्नी बहुत पहले ही उसे व राजमहल को छोड़कर जा चुकी थी। राजा को कोई पुत्र भी नहीं था, इसी वजह से उसके पास अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन से राजा ने अपने खिलाफ इस षड्यंत्र के बारे में सुना, तब से वह बहुत ही सावधान रहने लगा था। इतना ही नहीं, एक दिन राजा के खाने में उसके भाई ने जहर मिलवा दिया था, जिसके बारे में राजा को भनक नहीं थी। वो तो राजा जब खाना खाने बैठा तो अचानक एक बिल्ली ने आकर वो खाना खा लिया और कुछ ही देर बाद वो बिल्ली मर गई। इस घटना के बाद से राजा अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के प्रति बेहद सतर्क हो गया था। इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर एक दिन राजा ने महल छोड़ दिया और बिना किसी को बताए वहां से भागकर जंगल में आ गया। वह जंगल उसकी नगरी से बहुत दूर था, इस वजह से उसे वहां कोई पहचान भी नहीं सकता था। उस भिखारी को देखकर राजा ने सोचा कि हम दोनों ही इंसान हैं, बस फर्क ये है कि वह खुश इंसान है और मैं दुखी। राजा जल्दी जल्दी में महल से भागा था, इसीलिए वह अपनी राजसी पोशाक में था। जब भिखारी ने राजा को देखा तो थोड़ा पीछे हट गया और सोचने लगा कि मैंने तो फटे पुराने कपड़े और जूते पहने हैं, भीख ना मिले तो मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन इसके तो ठाट बाट ही अलग है। यह कितना खुशकिस्मत है कि इसने हीरे जवाहरात, सुंदर कपड़े और जूते पहने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी ये आदमी खुश नजर नहीं आ रहा। भिखारी ने सोचा कि चलो इस आदमी से इसके खुश ना होने की वजह पूछता हूँ। भिखारी राजा के पास पहुंचा और उसे राम राम बोला। राजा ने भी भिखारी को राम राम का जवाब दिया। भिखारी ने कहा, आप तो बहुत ही अमीर लगते हैं, शायद आप कहीं के राजा हैं। राजा ने कहा, हाँ तुम सही बोलते हो, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ और अपना राज अपने भाई को देकर यहाँ पे आ गया हूँ। मेरे घर वाले दौलत के चक्कर में मुझे मरवाने का षड्यंत्र कर रहे थे, उसी से बचने के लिए मैं यहाँ पर मन की शांति के लिए आया हूँ। काफी दिनों से मैं ऐसी ही हालत में हूँ, रास्ते में जो भी फल फूल मिलता है वही खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए है तो कृपया करके मुझे थोड़ा खाना दे दो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम मुझे ये अपनी सोने की अंगूठी दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। राजा ये सुनकर खुश हो गया। उसने अपनी अंगूठी भिखारी को दे दी और बदले में उससे रोटी लेकर खा ली। भिखारी ने राजा से कहा कि तुम और मैं
दोनों अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ में ही चलते हैं। दोनों साथ में चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचे, वहां पर आराम करने लगे। भिखारी ने कहा कि आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं फटे पुराने कपड़े और जूते पहनकर घूम रहा हूँ। आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारी ही तरह कुछ सोच रहा था, तुम्हें फटे जूतों की परवाह किए बगैर खुशी से अपने रास्ते की तरफ जाते देखकर मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ, हम दोनों की हालत एक ही जैसी है। फिर बातों ही बातों में उस भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी पूछ ली और फैसला किया कि रात के समय राजा जब सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और गहने लेकर वहां से भाग जाएगा। रात हो चुकी थी, जब तक राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उसके साथ मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को उसने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खिला दी। इसके बाद राजा गहरी नींद में सो गया। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े और उसके सारे गहने पहने और वहां से भाग गया। राजा सोता ही रह गया, लेकिन जो भिखारी अब राजा के कपड़े पहने हुए जा रहा था उसे रास्ते में कुछ चोरों ने देख लिया और उन्होंने समझा कि ये कोई राजा है और उसको पकड़ लिया और उससे पूछने लगे कि वह कहाँ का राजा है, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें मार कर फेंक दिया जाएगा। भिखारी ने चोरों से कहा कि वह राजा नहीं है, मैंने अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी करके पहन लिए थे। वह राजा अपने जीवन से दुखी होकर जंगल में खाने के लिए भटक रहा था, लेकिन चोरों ने उसकी इस बात का विश्वास नहीं किया और वह बोले कि तुम नाटक कर रहे हो। उन्होंने भिखारी को फिर से मार लगाई और पूछा कि सच सच बताओ कि तुम कहाँ के राजा हो। इस बार भिखारी ने चोरों की मार से बचने के लिए यह बात स्वीकार कर ली कि वह एक राजा है। हाँ, मैं राजा राय प्रताप हूँ, जो सूरतगढ़ का राजा है और उसका भाई राय बहादुर उसके राज्य का मंत्री है। लेकिन चोर अभी भी उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ जब राजा की नींद खुली तो वह भिखारी को बुलाता रहा। उसने अपने सामान को देखा तो उसके पास सिर्फ एक पोटली थी जिसमें उस भिखारी का कुछ सामान पड़ा हुआ था। इधर वो चोर सूरतगढ़ के महल में पहुंच जाते हैं और वहां के राजा के भाई राय बहादुर से कहते हैं कि उनके पास उनका भाई है, अगर वो उसे जिंदा बचाना चाहते हैं तो उसके लिए 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। यह सुनकर राय बहादुर ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे भाई के मुंह पर कपड़ा बांधकर राजमहल में लाना होगा, तभी हम तुम्हें सोने के 3000 सिक्के देंगे। चोर उस भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल में ले आते हैं। उसे राय बहादुर के हवाले कर दिया जाता है। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर राय बहादुर को यकीन हुआ कि यह उसी का भाई है। फिर उसने सोचा कि अब वो इसे मारकर खुद राजा बन जाएगा, लेकिन जब भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया गया तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने चोरों से कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो, यह आदमी मेरा भाई नहीं है, हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं, मेरे भाई को पकड़कर ले आओ, अगर नहीं लाए तो तुम सबको मरवा दिया जाएगा और यहाँ से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा। यह बात सुनकर सभी चोर बहुत ही डर गए और मौका मिलते ही वहां से भाग गए। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा कि तुम सही थे, अब हमें बताओ वह असली राजा कहां पर है, फिर तुम्हें भी फिरौती के धन में से हिस्सा दिया जाएगा। भिखारी ने बताया कि उसने राजा को इसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा उन्हें नहीं मिला। वहीं नींद से जागने के बाद राजा को भिखारी की सारी हरकत समझ में आ चुकी थी। उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा
कि अब उसे कहीं जाकर खाने का इंतजाम करना होगा, वरना वह भूख से मर ही जाएगा। उसके पास एक पोटली पड़ी थी जो शायद उसी भिखारी की रह गई थी। उसने पोटली खोली तो उसमें एक साधु का चोला था। राजा ने साधु का चोला पहनकर साधु का भेष बना लिया। कई दिनों तक राजा भूखा और प्यासा ही चलता रहा। जो रूखा सूखा उसे मिलता वह खा लेता। साधु का भेष बनाए हुए राजा जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक नदी के किनारे पहुंचकर वह सो गया। दो दिनों तक वह सोता ही रहा। वहीं आसपास के लोगों को लगा कि यह कोई साधु बाबा है जो अपनी समाधि में ध्यान कर रहा है। लोगों ने सो रहे राजा के पास चावल चढ़ा दिए तो कुछ लोगों ने धूप जला दी। जब तीसरे दिन राजा की नींद खुली तो उसने अपने पास बहुत सारे फलों का चढ़ावा देखा। यह सब देखकर वह बहुत ही खुश हो गया। राजा ने मन ही मन में सोचा कि सन्यासियों का जीवन कितना अच्छा है, बिना मेहनत किए भोजन मिल जाता है। अब उसे यहाँ से कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसमें रहने लगा। गांव के लोग उसकी पूजा करते और चढ़ावे में खाने के लिए फल और अन्य चीजें दे जाते थे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर उसके पास आए और उससे कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही है, आप कोई उपाय करें। यह सुनकर राजा परेशान हो गया कि अब वह क्या करे। वह अपनी सच्चाई बता भी नहीं सकता था। उसने लोगों से कहा कि इसके लिए उपवास करना होगा, अगले 2 महीने तक कोई भी उसकी कुटिया के अंदर नहीं आएगा। गांव वाले उसकी बात मान गए। लोग दूर से ही कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। राजा सोचने लगा कि उसका जीवन हर तरह से मुश्किलों से भरा है। उसे दूसरों का अच्छा जीवन देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। साधु बनकर वह बैठे बैठे खा रहा है, लेकिन उसका जीवन एक कैदी की तरह हो गया है। उसे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहां मैं रोज बढ़िया बढ़िया भोजन खाता था और अब कहां सिर्फ फल खाकर जिंदा हूँ। साधु के वेश में राजा को भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ता था। उसने सोचा 2 महीने पूरे होते ही वह वहां से चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन राजा परेशान होकर खुद ही भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, आप ही कोई चमत्कार कर दो। इसके बाद राजा ने भगवान से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। राजा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे समझ में आ गया है कि अपनी मुसीबतों से कभी घबरा कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। हे भगवान, मेरी लाज रख लो, इस गांव में बारिश करवा दो। वहीं गांव के लोग रोजाना कुटिया के बाहर आते, भजन कीर्तन करते और दूर से चढ़ावा चढ़ाकर घर को लौट जाते। इसी तरह से 2 महीने पूरे होने वाले थे, तभी एक दिन गांव के लोग दौड़े दौड़े राजा के पास आए और कहने लगे, बाबा, आप तो महान हैं, आपके कारण गांव में बारिश हो चुकी है। राजा कहने लगा, अब मुझे इजाजत दो, मैं यहां से जाना चाहता हूं। लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। लोगों ने कहा कि वे एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा किया करेगा। राजा ने भी सोचा, चलो ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। वह वहीं पर रहने लगा। कुछ समय के बाद वह भिखारी और चोर राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों से उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना जो लोगों की समस्याओं को दूर करने के उपाय बता रहा था। जब वे लोग उस बाबा से मिले तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान चुके थे, लेकिन चोरों के सामने वे अनजान बने रहे। फिर बाबा के भेष में राजा ने उनसे पूछा कि तुम लोग कहां से आए। राजा ने कुछ देर तक उन चोरों के साथ बातचीत की और फिर उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मौका देखकर वो भिखारी राजा से एकांत में मिलने आया और उसे सारी सच्चाई बताई कि मैंने लालच में आकर आपके सारे कपड़े और जेवर पहन लिए थे, लेकिन
उन्हें पहनने के तुरंत बाद ही ये चोर मेरे पीछे पड़ गए। चोरों ने मुझे लूट लिया और पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो, कहां से हो। तो मैंने खुद को आपके बारे में बताते हुए आपके राज्य की सारी जानकारी दे दी। उसके बाद वो चोर मुझे राजमहल में ले गए, जहां पर 3000 सोने के सिक्के में वो मुझे आपके भाई को देने वाले थे। आपके भाई ने बताया कि वह आपको मरवाना चाहता है और खुद वहां का राजा बनना चाहता है, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के अंदर आपको ढूंढ निकालने के लिए कहा गया है। तभी से हम आपको ढूंढ रहे हैं। भिखारी ने राजा से कहा कि तुम साधु बनकर इन चोरों को जो कहोगे ये मान जाएंगे। इसके बाद राजा, जो कि साधु के भेष में था, चोरों के सामने आया और भिखारी से सुनी हुई सारी समस्याओं को चोरों को बताने लगा। यह सुनकर सारे चोर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने राजा से बोला, बाबा हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। साधु बने हुए राजा ने कहा, तुम लोग मुझे उस राजा के महल में लेकर चलो, मैं वहां जाकर खुद ही सब कुछ देखना चाहता हूँ। महल में कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े साधु महात्मा हैं, जो हर व्यक्ति का भूतकाल और भविष्य जानते हैं। चोर और भिखारी साधु बने हुए राजा को अपने साथ लेकर सूरतगढ़ के महल में पहुंच गए। चोरों ने राजा के मंत्री भाई से कहा कि हमारे साथ बहुत बड़े महात्मा आए हैं, जो आपको आपके भाई राजा राय प्रताप से मिलवा सकते हैं। राजा अपने भाई को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसका भाई उसके खून का प्यासा है। महल में साधु के रूप में आए राजा की खूब सेवा की गई। फिर उसका भाई उनके पास बैठकर बोला कि बाबा कृपया मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए, आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर चला गया है। फिर वो साधु के रूप में राजा चोरों के पास गया और उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए इसका राजा भाई बन जाता हूँ। फिर साधु ने अपने राजसी कपड़े पहने और राज दरबार में आ गया। यह देखकर पूरी प्रजा हैरान थी। सभी लोग राजा को वापस आया देखकर उसकी जय जयकार करने लगे। लोगों ने राजा से पूछा कि आप इतने दिनों तक कहां पर थे। वहीं राजा का भाई ये सब देखकर हैरान था। वह लोगों से कहने लगा कि यह उसका राजा भाई नहीं है, बल्कि ये तो एक साधु है जिसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भाई से मिलवाया है। वह अभी अपने असली रूप में आ जाएंगे और बाबा बन जाएंगे। वे राजा ने भी सभी लोगों को समझाते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इसके बाद सभी लोग राजा के भाई का राज्य अभिषेक करने लगे। राज्य अभिषेक के बाद जैसे ही राजा का भाई राजा की गद्दी पर बैठने लगा, वैसे ही साधु बने हुए राजा ने कहा, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता था, लेकिन एक दिन मैंने महल के लोगों को मेरे खिलाफ साजिश करते हुए सुना। मुझे कभी भी यह पता नहीं चल सका कि इन सब के पीछे मेरे ही अपने भाई का हाथ है। अगर मेरा भाई मुझसे अपने आप राजा बनने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन इसने मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया। पर जिस पर भगवान का साया हो उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। यह सुनकर राजा का भाई राय बहादुर बोलने लगा कि ये साधु कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है, यह हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजा का एक वफादार सेवक था जो राजा की बातें सुनकर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही हमारे असली राजा हैं, मुझे क्षमा कर दें, मैंने ही आपके खाने में जहर मिलाया था, इसके बदले में मुझे आपके भाई ने 1000 सोने के सिक्के देने का वायदा किया था, आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका असली गुनहगार हूँ, इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं तैयार हूँ। अब राजा के जीवन की सारी सच्चाई
पूरी प्रजा को पता चल चुकी थी। सभी लोग राजा के भाई को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। राजा ने अपने महल के मंत्रियों को आदेश दिया कि वह महल से अपने भाई को बेदखल कर रहा है, उसे आज ही 1 साल के लिए यह राज्य छोड़कर जाना होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वह महल में वापस आकर मेरे साथ काम करने का अधिकारी बन सकेगा। एक बार फिर से राजा राय प्रताप को अपने राज्य की राजगद्दी मिल गई। वह फिर से अपनी प्रजा की सेवा करने में लग गया। राजा ने भिखारी को अपने महल का मंत्री बना लिया और चोरों को महल में माली का काम करने के लिए दे दिया। 1 साल बीतने के बाद राजा का भाई भी महल में वापस आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। महल वापस आकर उसने अपने भाई से माफी मांगी और पूरे कर्तव्य से अपना काम करने का वचन दिया। राजा ने फिर से उसे महल में उसका स्थान दे दिया। इसके बाद राजा पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपना राजपाट चलाने लगा।